आपने खुद भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल साइंस ले ली है बात, आप खुद जाती तौर पे किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा करती हूं? मैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो ज्यादा करती हूं वो पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि मैं बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मैं आइडियलाइज करती हूँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। अब मैं लीगल एक्सपर्ट के तौर पर बता रही हूँ कि हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इन एनकाउंटर्स देखना और इनके ऊपर कार्रवाई करना वो काम है हमारे इदारों का। आप खुद एक खातून हैं और आप इक्वल राइट्स में बिलीव करती हैं, आपको नहीं लगता कि उनको राइट मिलना चाहिए तो भी और मार्च कर सकते? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसकी वॉयलेशन की है डीसी ने, और उसके ऊपर हमने रिट फाइल कर दिया जो कि इंशाल्लाह मंडे को इट विल बी फिक्स्ड, और हम बिल्कुल इसको कंटेस्ट करेंगे कि हम सबको सबका इंतजाम करें, खासतौर पर उन इदारों का जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है उसने वो बहुत सफर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हसन नकवी शो की एक स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं, और आज हमारी मेहमान हैं कि जिन्होंने तारीख रकम की, लाहौर हाई कोर्ट बार की 150 साल तारीख में वो पहली सेक्रेटरी मुंतखब हुई। सुभाष भाजी वेलकम टू आवर शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सुभाष भाजी एक तो ये बताइएगा कि अब आप मुंतखब तो हो गई, आप बार के लिए आपका लाहे अमल क्या होगा, अभी से एक साल में क्या करना चाहेंगे? जी मैं समझती हूँ कि बहुत सारे काम हैं जो मुझे लगता है कि टेन्योर बहुत कम है, लेकिन बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगी एक तो अपनी बार को डीपोलिटिसाइज करने की, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमारी बार के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ऑल्दो हम सारे लॉयर्स जो हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और ये सारी दुनिया में ऐसे है कि वकील और सियासत आप अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं समझती हूँ कि बार्स को पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरवेंशन के बगैर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वी नीड टू डीपोलिटिसाइज आवर बार्स, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट के दैट वी शुड डीपोलिटिसाइज द बार्स। और मैं अपनी लीगल कम्युनिटी जिसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं 150 साल हिस्ट्री को मैं बदल सकी हूँ, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बार की इंटेग्रिटी के लिए जो जो मुझसे इकदाम हो सकते हैं मैं ज़रूर करूँ, खासतौर पर यंगस्टर्स और फीमेल लॉयर्स के लिए। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि पोलिटिसाइज हुई है बार, आप खुद जाती तौर पे किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा करती हैं? जी मैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो ज्यादा करती हूँ वो पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि मैं बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मैं आइडियलाइज करती हूँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। सो मैं मुझे मतलब जो मैं पॉलिटिकली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी पे यकीन रखती हूँ और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। दूसरे ये बताइएगा कि अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक चीज रिपोर्ट की कि पिछले पीपल्स पीटीआई के दौर में 613 इनकाउंट्रस हुए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, तो हम इसको कम करने के लिए, आप वकील भी हैं, आप इस सारे जो हमारा लीगल निज़ाम है अदालती निज़ाम इसको अच्छे करीब से देखा है आपने, इसको इसके एक सदे बात कैसे किया जा सकता है? देखिए हम वकील हैं, हम और वकील जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कम्यूनिटी है, ना हम मुलाजिम हैं किसी गवर्नमेंट के और ना ही हम कोई तनख्वाहदार हैं। सो मेरा ख्याल है कि इन वकला से इतनी ज़्यादा उम्मीदें जो है थोड़ी सी अनफेयर भी हैं, ये ज़रूर है कि हम इन ज्यादतियों पे इन नानसाफियों लीगल एक्सपर्ट की तौर पर, हाँ मैं लीगल एक्सपर्ट के तौर पे बता रही हूँ कि हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इन एनकाउंटर्स ये जो को मतलब देखना और इनके ऊपर कार्रवाई करना वो काम है हमारे इदारों का, कि ये अगर इनकाउंटर्स जो सारे हैं इनके ऊपर देखना पड़ेगा कि कितनी जुडिशियल इंक्वायरीज हुई हैं और इन जुडिशियल इंक्वायरीज में कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबल किया गया, और क्या उन जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसके बाद उनको दोबारा वो सीटें दी गई या नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये निज़ाम है कि जब डिसमिसल भी हो जाते हैं पुलिस में तो उसके बावजूद भी एक एक शख्स के 10-10 डिसमिसल होते हैं, लेकिन ही स्टिल सर्विंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से यानी वो फारिग कर देना चाहिए जो इस कदर जालमाना और गैर कानूनी तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हर बंदे का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10 ए के उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, और मैं समझती हूँ कि उसकी वॉयलेशन जो है वो कोई भी इदारा करे तो वो इलीगल है। अच्छा अभी हम जैसे आप भी देखते हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन का अदालती निज़ाम इतना वीक है कि हज़ारों केसेज जो हैं पेंडिंग है, लेकिन हम देखते हैं पोलिटिकल केसेज लग जाते हैं, आम आवाम को कोई रिसाई होती, बेशक ये अदालत का मतलब जो जुडिशरी का काम है, लेकिन बीइंग एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आप लॉयर्स की रिप्रेजेंट करती हैं, सेक्टरी हैं, इसमें आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? जी हमारी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इतने केसेस फिक्स किए जाएँ कि जिनकी डिस्पोजल हो जाए, बजाय ये कि केसेस लगें और उनमें तारीखें पड़ जाएँ, क्योंकि लोग
बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, फिर केसों की तारीखें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। सो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है इसको देखा जाए, और ये बेसिकली बेंच का काम है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो हम सिर्फ उस पर तवज्जो दिला सकते हैं। और हमने हमारा मेरा ये पर्सनली व्यू है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जुडिशरी जो है दे आर प्रेफरिंग पोलिटिकल केसेज मोर देन द केसेज ऑफ द जनरल पब्लिक। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम सियासी केसों को तो डे टू डे हियरिंग दे देते हैं, लेकिन जो हमारी आम आवाम है वो सालों उनकी अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती और वो उनकी जेलों में लोगों की डेथ हो जाती है। सो ये अभी आपको सोचने की ज़रूरत है, हमने उनकी उनकी तवज्जो दिलाई है और हम बारह ये काम करते रहेंगे कि हम अपनी अदलिया को रियलाइज कराएंगे कि दैट दे नीड टू यानी डिस्पेंस विद द जस्टिस। और दिस इज द एक और भी इसमें इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि हमारी लोअर जुडिशरी जो है उसको भी देखने की बड़ी उनको स्ट्रेंथन करने की बड़ी ज़रूरत है, और ये आला अदलिया को ये देखना चाहिए कि पहले किसी दौर में जो लोअर जुडिशरी थी वो बड़ी मजबूत थी, लेकिन आप कुछ अरसे से इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा हैंडीकैप कर दिया है, और उनको थोड़ी सी पावर्स देने की ज़रूरत है और उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है ताकि वो फेयर डिसीजन कर सकें और कम से कम अपीलें जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। अभी आपने देखा हाल ही में हमारी ऑडियो लीक्स बहुत सारी हैं, जुडिशरी के हवाले से भी काफ़ी सारी हैं, कुछ मौजूद जजेस साहबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई और अभी कल एक फिर रिलीज हुई है जिसमें बात की गई है। क्या आपको लगता है कि हमारी जुडिशरी के निज़ाम में कहीं ना कहीं करप्शन, हमारा पूरा निज़ाम ही करप्ट है, कहीं ना कहीं करप्शन है, और अगर करप्शन है या कोई चीज़ साबित होती है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अपना रोल एक्टिवली प्ले करना चाहिए, या आप कैसे देखती हैं, क्या ये मिलाइन करने की कोशिश की गई है जुडिशियल को लेकर, क्या देखती हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस की बड़ी जंग लड़ी, लेकिन जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकी। और अगर यह बात देखें तो मिलाइन तो हमेशा जुडिशरी को मिलाइन करके उनसे बेनिफिट्स लिए गए हैं, पोलिटिकल बेनिफिट्स, और ये भी मुझे लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जहाँ तक आपकी बात है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो फिर इस तरह हो कि वो कार्रवाई क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। देर आर सो मैनी रेफरेंसेज विच आर स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वी कैन चूज ना हो, फिर उन सब रेफरेंसेज को आप डिसाइड करें और उनको फेयरली डिसाइड करना चाहिए, और फिर इस तरह ना हो कि आप अपनी मर्जी के जो जजेज हैं उनको आप विक्टिमाइज करते रहें और जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं वो स्कॉट फ्री जाएँ। सो मैं समझती हूँ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट उसी वक्त हो सकती है जब उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और जजेस की अकाउंटेबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी और इदारे की। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि आप आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी और मोहतरमा के दायरे में, लेकिन हमने देखा था कुछ फेक अकाउंट्स भी बन गए थे आपके, जैसे ये कोई इमरान खान की टाइगर है वो शेरनी है, वो क्या उसके बारे में क्या? जी वो आपकी बात सही है, वो सब हमारा ट्विटर अकाउंट जो है एक्चुअली मेरा एक ही है, वो है RIZSAB1RIZSAB1। तो वो जब इलेक्शन मैंने विन कर लिया तो चूंकि उसमें मुझे पीटीआई की सपोर्ट हासिल थी जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद वो मतलब फेक अकाउंट्स बन गए और जिसके ऊपर ये शो किया गया कि जी मैं शायद पीटीआई क्या की मतलब हूँ और सारा। लेकिन असल बात यह है, देखिए जिन लोगों ने मेरे साथ मतलब मैं मुझे सपोर्ट किया है, मेरे मुझे मोहब्बत शफकत से नवाजा है, मेरे पर ट्रस्ट किया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझती हूँ खान साहब की ये बड़ी बड़ापन है कि वो जानते हैं ये बात कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ और मैं पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और उनका ख्याल है कि मैं मतलब आई हैव दोज गट्स कि मैं इस बार को रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो मैं इस बात के लिए पीटीआई के लॉयर्स की और पीटीआई के जो क्यादत है उसकी नो डाउट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। वकालत के पेशे को ना एक मर्दों का पेशा समझा जाता है, अब ये वेमेन एम्पावरमेंट की बात है और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और वो राबिया जो है वो नायब सदर मुंतखब हुई हैं, एक तो वेमेन मतलब खवातीन वकला के लिए तहफ़ के लिए या उनकी बेहतरी के लिए इक्वल मौक़ों के लिए आप क्या करेंगे इकदाम उठाएंगी, दूसरे मुझे ये बताइएगा कि अभी वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने औरत मार्च को NOC मतलब इजाज़त दी, आप खुद एक खातून हैं और आप इक्वल राइट्स में बिलीव करती हैं, आपको नहीं लगता कि उनको राइट मिलना चाहिए वो भी औरत मार्च कर सकें? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये बहुत ये बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसकी वॉयलेशन की है DC ने, और उसके ऊपर हमने रिट फाइल कर दिया जो कि इंशाल्लाह मंडे को इट विल बी फिक्स्ड, और हम बिल्कुल इसको कंटेस्ट करेंगे। ये हर शख्स का बेसिक फंडामेंटल राइट है कि वो पीसफुल असेंबली कर सकता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए आई डोंट नो कि वाई द स्टेट इज सो एप्रीहेंसिव अबाउट औरत मार्च ऑलवेज एवरी ईयर। और ये भी उसी की एक कड़ी है कि हर साल जो मतलब रिलीजियस पार्टीज के प्रेशर में आके जो गवर्नमेंट है वो औरत मार्च को के रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ अस।
और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपकी बात है कि मैं ख्वातीन के लिए क्या करूँगी, तो देखिए मैं मुझे कोई लंबे चौड़े मैं क्लेम नहीं करना चाहती जो मैं पूरे ना कर सकूँ, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाती हूँ कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट के इस प्रोफेशन को मैं वुमेन फ्रेंडली बनाऊँ और इकोनॉमिकली अपनी जो फीमेल लॉयर्स है उनको मैं जितना स्ट्रेंथन कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर सबसे बड़ी जो ख्वातीन वकला को क्राइसिस फेस करना पड़ता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है।